जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। घर में इस प्रकार करे ये चमत्कारी धुआं जो करेगा सभी बाधाओं और कष्टों को दूर। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी घर में धुनी किस प्रकार आपको देनी चाहिए, जिससे होने वाले लाभ और कैसे ये आपके घर का वातावरण शुद्ध बनाए रखता है। सभी चाहते हैं घर का वातावरण शुद्ध बना रहे और उसके घर से सभी प्रकार की दरिद्रता दूर रहे। कई बार घर में ना चाहते हुए भी कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती हैं, जो लगातार घर के सदस्यों पर असर डालती रहती हैं। कई बार आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आप घर में रहते हैं या अपने रूम पर होते हैं तो आपको एक अजीब सी घुटन सी होती रहती है, लेकिन जब आप कहीं बाहर या अच्छी जगह या फिर किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ ना आपको टेंशन होती है और ना ही किसी प्रकार का डर होता है। आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, विचार चेंज हो जाते हैं, सभी कुछ अच्छा लगने लगता है। यही कारण है कि जब आप किसी जगह होते हैं जहां नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा होती हैं, वहां होने से आप एक घुटन सी महसूस करते हैं और ख्याल भी गलत होने लगते हैं और यही कारण आपके कार्य में बाधा डालने लग जाते हैं। जिस जगह नकारात्मक शक्तियाँ ज्यादा होती हैं, ऊर्जाएं ज्यादा होती हैं, वहाँ पर घुटन सी महसूस करते हैं आप। आपके विचार अच्छे नहीं हो पाते हैं और जिस जगह पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है वहाँ पर आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ऐसे में आपको अपने घर का वातावरण शुद्ध करने की बहुत ही जरूरत है। काफी लोग अपने घर में एक बार कोई भी हवन जरूर कराते हैं, जिससे उनसे निकलने वाला धुआं घर के वातावरण को शुद्ध बनाए रखे और इससे घर काफी लंबे समय तक शुद्ध भी रहे और वहाँ पर रहने वाले लोगों को ख्याल भी अच्छे आए, उनके विचार शुद्ध हो, जिससे उन्हें कार्य में सफलता मिलती रहे। मंत्रों का उच्चारण जोर से करने से भी घर का वातावरण शुद्ध बना रहता है और मन में विचार भी शुद्ध बने रहते हैं। शुद्ध विचारों से ना आपका सिर्फ व्यक्तित्व आकर्षित बनता है, बल्कि जो चीज आप चाहते हैं वो भी आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त होने लगती है, जिससे मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगती हैं। मंत्रों के उच्चारण के लिए आप रोज सुबह मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं या फिर कोई सीडी भी आप चला सकते हैं जिसमें मंत्रों का उच्चारण हो सके। आपको रोज सुबह ऐसा करना है, इससे घर का वातावरण शुद्ध बना रहता है। रोज सुबह आप सीडी चला सकते हैं जिसमें मंत्रों का उच्चारण होता है या फिर आप खुद भी या पूजा करते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उससे भी वातावरण अच्छा बना रहता है और आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। आपके विचार अच्छे होने लगते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि रोज अपने घर में सुबह या शाम को धुनी दे सकते हैं। इस धुनी से घर के कलेश और सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और साथ ही धुनी से ये लाभ भी होता है कि जो लोग रात को सो नहीं पाते हैं या रात को सोते हुए डरते हैं या जिन बच्चों को डर लगता है सोते हुए, रात को बुरे सपने आते हैं, तो वो भी उन्हें नहीं आते हैं, उन्हें डर नहीं लगता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है, जिससे सुबह आप बहुत अच्छे से नए सुबह की शुरुआत करते हैं। जिस घर में ऐसा किया जाता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं। घर का वातावरण सुखद बना रहता है और सभी लोगों में प्यार भी बढ़ा रहता है। घर की सफलता और खुशी के लिए आपस में प्यार का होना बहुत ही जरूरी होता है। जिस घर में लोग प्यार से एक साथ रहते हैं तो वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। आपस में प्यार और एकता बड़ी से बड़ी परेशानी को भी बहुत छोटा बना देती है। तो रोज सुबह या शाम को आप अपने घर में धुनी दे सकते हैं पूजा करते समय या फिर आप केवल धुनी भी दे सकते हैं। धुनी देते समय आपको 5 चीजों की जरूरत है, लोबान, गुगल, कपूर, देशी घी और चंदन। इन चीजों से आपको अपने घर में धुनी देनी है। इसके लिए आप ये 5 चीजें अपने घर में लाकर स्टोर कर सकते हैं और इन 5 चीजों को एक साथ गाय के गोबर के उपले पर उन 5 चीजों को रख कर जला सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी जलाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा धुआं होता है, जिससे थोड़े से में ही काम हो जाता है। इन 5 चीजों को लाकर और गाय के गोबर के उपले को लाकर आप थोड़ा सुबह और शाम को जलाते हैं तो ये काफी लंबे समय तक चलता भी है और इससे धुआं भी अच्छा होता है। रोज सुबह को या शाम को आप इस प्रकार अपने घर में हर कोने में धुनी दे सकते हैं। ध्यान रखें, हर कमरे में या घर में धुएं का थोड़े देर तक होना जरूरी है, जिससे सारी नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल सकती हैं। आए दिन सभी लोग बाहर जाते हैं और कई लोग बाहर से अंदर भी आते हैं, तो काफी सारी नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर आते हैं। तो जो आप अगर ये धुनी देते हैं तो इसकी वजह से वातावरण शुद्ध हो जाता है। इससे आपको काफी लाभ मिलता है, नकारात्मक शक्तियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही आर्थिक तंगी में भी सुधार आता है। इस धुनी से सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही आपके घर की ओर आकर्षित होती है, जिससे घर के सदस्यों में प्यार बढ़ता है और उनकी आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। अगर आप अपने ऑफिस या व्यापार स्थल में भी ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार स्थल में भी ये धुनी देना बहुत ही जरूरी होता है।
इससे आपका व्यापार भी अच्छा चलने लगता है और अगर आपके व्यापार स्थल में आपकी दुकान पर किसी ने कोई जादू किया होता है तो वो भी दूर हो जाता है। साथ ही इससे बुरी नज़र भी दूर हो जाती है। ये ध्वनि सिर्फ नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके आपके घर में या ऑफिस में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, जिससे आपका दिमाग अच्छा चलने लगता है, अच्छे विचार चलने लगते हैं और सारी अच्छी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। रोज सुबह या शाम को आप पूजा करते समय इस प्रकार ध्वनि दे सकते हैं। आप इस ध्वनि से आप तुरंत देखेंगे कि आपके आसपास का वातावरण कितना शुद्ध हो गया है और आपके विचार भी अच्छे होने लगते हैं। इससे तुरंत ही लाभ मिलने लगता है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा था तो आप लगातार ऐसे ध्वनि देते हैं लगातार कुछ दिनों तक, तो आप खुद देखेंगे कि आपका व्यापार भी अच्छा चलने लगेगा और जिन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है उनके कमरे में भी इस प्रकार ध्वनि देने से उनका ध्यान भी पढ़ाई पर लगने लगता है। बुरी शक्तियां और बुरे ख्याल उनसे दूर रहते हैं। आर्थिक तंगी में सुधार होने लगता है। जो लोग लंबे समय से बीमार रहते थे उन्हें भी इस ध्वनि से बहुत लाभ मिलता है। तो आप रोज इन पांचों चीजों को मिलाकर अगर ध्वनि देते हैं अपने घर पे तो आपको काफी सारे लाभ मिलते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। तो आप जरूर इसे करें और अपने घर में आप अपनी सारी समस्याओं को दूर करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।